मॉर्निंग दियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स हो ऑल थिंग इज ओके अराउंड यू आई एम ए गुजराती टीचर मिस दीप्ति वरु वर्किंग एट रेडियंट इंटरनेशनल स्कूल सो स्टूडेंट्स लेट स्टार्ट अवर टूडेज टॉपिक विथ अवर थॉट ऑफ द डे तो आज की थॉट है जीवन दुःख नहीं आपत परंतु जीवन में लिधेला निर्णयों दुख आप इसका मतलब है निर्णय का मतलब है डिसीजन बच्चों हम अगर एक भी डिसीजन गलत लेते हो तो वो हमें जीवन में दुख देता है तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना है अपने पेरेंट्स और टीचर्स की बात को मानना है ओके स्टूडेंट्स so पहले हम गुजराती कॉन्सोनेंट को रिकॉल करेंगे आप भी मुझे फॉलो कीजिएगा क ख ग ठ ढण द ध व, श, स स, ह, ड, श, ग्य अब हम गुजराती स्वर यानी वोवेल को रिकॉल करेंगे अ आ, आ, ई ऊ रू ए ओ अम आह स्टूडेंट्स लास्ट पीरियड में हमने जो आपका चैप्टर है मात्रा वगैरह शब्दों उसमें मैंने आपको दो वर्ण के शब्द करवाए थे उसमें मैंने एक लाइन आपको करवाई थी बाकी प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको दिया था तो आज हम उसका करेक्शन करेंगे तो आप भी मेरे साथ साथ उसको रीड करना चलिए हम देखते हैं आगे आपके चैप्टर में जो ग्रीन बॉक्स है उसमें सेकेंड लाइन है उसका पहला वर्ड है च र चर चर का मतलब होता है हमने गाय को ग्रीन लीव्स दाने रोटी कुछ भी खाते हुए देखा है ना तो गाय जो खाती है उसको गुजराती में बोलते हैं चर नेक्स्ट है व वर मतलब आप शादी जाते हो ना बच्चों तो शादी में कौन होता है किसकी शादी होती है लड़का और लड़की की उसमें जो लड़का होता है ना ग्रूम उसे गुजराती में बोलते हैं वर नेक्स्ट है भ भा, मम भम का मतलब होता है हम जो वॉकिंग करते हैं या बाहर कहीं ऐसे ही घूमने जाते हैं तो उसको गुजराती में बोलते हैं भ्रमण भ्रमण को शॉर्ट में बोलते हैं भम भम का मतलब होता है घूमना उसके बाद क्या है कण 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 मतलब छोटे छोटे टुकड़े फिर वो पत्थर के हो सकते हैं या हम जो गेहूँ चावल खाते हैं ना उसको भी कण बोलते हैं कण मतलब दाना और पत्थर के टुकड़ों को भी कण बोलते हैं अभी थर्ड सेंटेंस में फर्स्ट वर्ड है क्या है भाणा भण भण का मतलब होता है स्टडी करना अभी हमें आपको क्या करवा रही हूँ स्टडी तो मैं आपको करवा रही हूँ स्टडी उसको गुजराती में बोल रहे हैं भण यानी भण नेक्स्ट वर्ड है ब स बस बस का मतलब को सबको पता है है ना आप में से काफी सारे बच्चे स्कूल में बस के द्वारा आते हैं है ना तो इंग्लिश हिंदी और गुजराती में भी उसे बस ही बोलते हैं नेक्स्ट वर्ड है द स दस आपको पिक्चर में दिख रहा है ना क्या लिखा है वन ज़ीरो टेन आप मैथ्स में नंबर सीखते हो ना वन ज़ीरो टेन को गुजराती में बोलते हैं दस उसके बाद है ख ल खल बच्चों आपने आपके घर के किचन में खल को देखा ही होगा ना आपकी मम्मी जो घर में अदरक लहसुन वगैरह किस में ग्राइंड करते हैं हाथ से खल में यानी पेस्टल तो आपको पिक्चर में हल्का जो फोटो है वो दिख रहा है फोर्थ सेंटेंस में फर्स्ट वर्ड है तो तल का मतलब क्या होता है बच्चों तिल आपने काइट फेस्टिवल में तिल के और गुड़ के लड्डू खाए होंगे ना ये बहुत ही हेल्दी होता है तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं सीसम सीड्स और हिंदी में बोलते हैं तिल गुजराती में इसको बोलते हैं तल नेक्स्ट वर्ड है ल ख लख लख, 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 लख मतलब टू राइट हम जो बुक में पेंसिल के द्वारा लिखते हैं है, पेन के द्वारा लिखते हैं उसको बोलते हैं गुजराती में लख नेक्स्ट वर्ड है क्या है ह हाँ ठ हट हट का मतलब क्या होता है रूठ जाना किसी चीज के लिए जिद करना तो उस चीज़ को गुजराती में बोलते हैं हट हट यानी रूठ जाना नेक्स्ट वर्ड है क्या है यस स ड सड का मतलब क्या होता है बच्चों आपने बोट को या नाव को देखा होगा है ना तो नाव में उसको पानी में बैलेंस करने के लिए उसके कॉर्नर पर एक कपड़े जैसा बांधते हैं उसको गुजराती में बोलते हैं सड लास्ट सेंटेंस में पहला शब्द है थ बच्चों आपने टीवी में देखा होगा कि जो राजा होते वो रथ में बैठ के आते हैं तो पहले के जमाने में क्या था वे थे हॉर्स के साथ काट को, को जोड़कर रथ बनाया जाता था उसे गुजराती में और हिंदी में दोनों में रथ ही बोलते हैं नेक्स्ट शब्द है बड़ 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 को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेंथ बच्चों जो हेल्दी फूड खाता है ना उसके अंदर बहुत ही ताक़त होती है और इस ताक़त को गुजराती में बोलते हैं बड़ नेक्स्ट है क्या है ल क्ष लक्स लक्स का मतलब होता है एम बच्चों आप पढ़ते हो तो आपके माइंड में एक लक्स क्लियर होता है कि आपको एग्ज़ाम में इतने मार्क्स लाने ही है तो वो जो आपके माइंड में एक चीज क्लियर हो गई जो आपके मार्क्स आपको लाने हैं उसको क्या बोलते हैं लक्स गुजराती में उसको बोलते हैं और लास्ट वर्ड है पक्ष 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 का मतलब होता है बच्चों आपने स्काई में मून को देखा होगा है ना वो पहले एकदम छोटा होता है फिर डे बाय डे बढ़ता चला जाता है और फाइनली फुल मून बन जाता है और उसके बाद उसमें से वापिस वो छोटा होता जाता है तो उसके बढ़ने की और कम होने की प्रक्रिया को हिंदू शास्त्र में दो पक्षों में बांटा जाता है और दूसरा इसका पक्ष का मीनिंग होता है किसी की साइड लेना उसको भी गुजराती में बोलते हैं पक्ष तो बच्चों आज का हमारा मात्रा वगैरह शब्दों में दो शब्द दो वर्णों के शब्द को हमने करेक्शन कर लिया है नेक्स्ट पीरियड में भी हम आगे के वर्ड्स सीखेंगे तो देन स्टे होम स्टे सेफ बाय